धनबाद जिले के बिशनपुर क्षेत्र के बाबूडीही में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया, जहां लगभग 1 एकड़ के सरकारी जमीन पर स्थानीय द्वारा अतिक्रमण कर जमीन को अपने कब्जे में कर रखा था। आपको बता दें कि वहां से बालू गिट्टी का भी कारोबार किया जा रहा था। वहीं प्रशासनिक विभाग का कहना है कि अगर वह वहां से बालू और गिट्टी को नहीं हटाते हैं तो उस पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। फिलहाल एक एक करके जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कर लिया गया है। इस पर अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है कि किसके द्वारा यह एकड़ जमीन को अपने कब्जे में कर रखा था। निगम आयुक्त के द्वारा सड़कों पर दुकान लगाए जाने को लेकर उन्हें वेडिंग जोन में जाने का निर्देश दिया। कहा कि जहां पर उन्हें अलॉट किया गया है अपनी दुकान लगाएं, वहां के गेट को भी बड़ा कर दिया जाएगा जो कि अभी छोटा है, जिससे लोगों को परेशानी नहीं होगी। वहीं तालाबों पर भी अतिक्रमण की बात सामने आ रही है, जिससे नगर आयुक्त पूरी तरह से जांच में लगा हुआ है। उसके पास सभी अतिक्रमण जगह की सूची आई हुई है, जिस पर वह एक एक करके वहां पर कार्रवाई करेंगे और उन्हें अतिक्रमण मुक्त करेंगे। वहीं नगर आयुक्त का कहना है कि जिनके द्वारा अतिक्रमण पाया जाता है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंचल से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था कि वहां पर जीएम लैंड है और हम लोगों ने जांच किया तो पाया कि वहां पर कब्जा किया हुआ है। तभी एक एकड़ जमीन को वहां से कब्जा मुक्त कराया गया और वहां कुछ झोपड़ियां थी उसको हटा दिया गया है। एक पक्का उसमें पिलर बना हुआ है, उसको कागज के लिए उसको कहा गया है, कागज दिखाएं। लगभग एक एकड़ जमीन पे हम लोगों ने आज कब्जा कराया। अब बाकी हम लोग और जांच कर रहे हैं कि वहाँ जमीन और कितनी हमारी है, फिर अगर ये पाएंगे कि जमीन और ज्यादा है और कब्जा में है तो हम लोग उसको कब्जा था। किस किन के द्वारा कब्जा किया गया था? स्थानीय के द्वारा कब्जा किया। ये किसी मालूम नहीं चल पाया कौन थे, पता नहीं चल पाया है। वहाँ कुछ बालू गिट्टी वगैरह भी पड़े हुए थे, वो सब क्या जब्त करने का प्लान है या क्या कुछ? हाँ, अगर हम लोग नोटिस कर दिए हैं, लोगों को कह दिया गया है स्थल पे कि उसको डालें, अगर नहीं हटाएंगे तो हम लोग उसको जब्त कर लेंगे। कल भी कुछ कार्रवाई हुई है 8 लेन पे? कल 8 लेन में कार्रवाई हुई है, कुछ लोग 8 लेन में जमीन का अतिक्रमण कर रहे थे, वो अतिक्रमण उसको हटा दिया गया। विनोद बिहारी मोहतर चौक के बायां साइड में भी बहुत जगह अतिक्रमण हो चुका है, उस पर किस प्रकार की कार्रवाई? हम लोग अतिक्रमण पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग आगे भी करेंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धनबाद झारखंड से सिंधु कुमार की रिपोर्ट।